पेरियार ने हिंदू धर्म में पसरे ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, विज्ञान, आत्मसम्मान, समानता और महिला अधिकार पर खास जोर दिया। वो ब्राह्मणों की बनाई जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने न केवल धर्मग्रंथों को जलाया बल्कि रावण को अपना नायक भी माना। यूनेस्को ने पेरियार को नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधारक आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों का दुश्मन कहा है। आइए आपको पेरियार के वो 15 विचार बताते हैं जिन्हें सुनकर ब्राह्मणवादियों को मिर्ची लगती है। दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। उन देवी देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहें। उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो उस देवता को शक्ति देता हो। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने और नष्ट करने की अपील करता हूं। मैंने सब कुछ किया। मैंने सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, तस्वीरें भी जला दी, लेकिन अगर फिर भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं तो ये साफ है कि स्वाभिमान और बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। ब्राह्मण हमें अंधविश्वासी बनाने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है लेकिन तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूं कि उनका विश्वास मत करो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण ऊंचा कैसे हो सकता है और बाकी लोग नीच कैसे हो सकते हैं? आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया है? हमारे देश को आजादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। ब्राह्मणों के पैरों पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर हैं? क्या ये त्योहार हैं? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो। एक देवता तो हाथ में भाला या त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर, ढाल के साथ हैं। ये सब क्यों है? एक देवता तो अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है। ये किसको मारने के लिए है? हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुष बाण की जगह मशीन गन या बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर क्या कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूं कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। पेरियार साहब की ये बातें सुनकर ब्राह्मणवादी जल भुन जाते हैं। पेरियार के इन महान विचारों को अपने साथियों के साथ साझा करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।